अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। ये वीडियो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की एक बेहतरीन वीडियो होगी अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक अजीब वाक़या हुआ, बहुत दुख वाला वाक़या भी था। एक कंपनी जिस पर 110 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई, उसने कहा कि हम बंद हो रहे हैं, हम नाकाम हो रहे हैं। बदकिस्मती से उसकी खबर बहुत ही कम मीडिया चैनल्स ने चलाई, बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स ने उसके बारे में बताया। हालांकि ये पाकिस्तान की मॉडर्न तारीख में सबसे बड़ा नुकसान था। इस वक्त इंडिया में 100 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनकी जो वर्थ है, जिनकी कीमत है, वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी पैदा होने लगी थी जिसकी वर्थ 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होने वाली थी, जो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उसकी नाकामी की खबर ना मीडिया पे चली, ना उस पर यूट्यूबर्स बात करेंगे। पाकिस्तान में हर शख्स ये आपको बताता है कि बिज़नेस आइडियाज़ क्या हैं, ये बिज़नेस करो, वो बिज़नेस करो, लेकिन जब आप बिज़नेस में जाएंगे उसके बाद कोई आपको मशवरा देने वाला नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आपके लिए अगर आप मुश्किल में फंस जाएं। और जो लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जो फाउंडर कारोबार शुरू करते हैं, उनके मसलों को मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने PhD कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में किया हुआ है। मेरी PhD कस्टमर एक्सपीरियंस और कंपनी परफॉर्मेंस के ऊपर है। 21 साल मेरा इसमें तजर्बा है, मैंने मुख्तलिफ कंपनियों को देखा, उनके बारे में लिखा। इसके साथ साथ मैं सिर्फ PhD नहीं हूँ, मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, जिस तरीके से एतिसला, टेलनार ग्रुप, चाइना मोबाइल, मैक्सिस और मुख्तलिफ स्टार्टअप और मल्टीनेशनल के साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा एक साइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का है, दूसरा लोगों से सीखने का है। तो मैं अपने तजर्बे के बेस पर एक ऑफ़र कर रहा हूँ उन तमाम स्टार्टअप्स को जो मुश्किल स्टेज पर हैं। मेरी ईमेल स्टेज आपके सामने आ रही होगी स्क्रीन पर, आप मुझे ईमेल करें अगर आप मुश्किल फेज़ से गुजर रहे हैं। जो स्टार्टअप का फाउंडर होता है, मैं खुद स्टार्टअप का फाउंडर हूँ, मैं खुद एक सेंटर है यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर का, उनका मेंटोर भी हूँ। तो मुझे पता है जब एक फाउंडर, किसी भी कंपनी का मालिक, मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है ना, तो वो किसी से बात नहीं कर सकता। उसके आसपास दो लोग होते हैं, एक उसका इन्वेस्टर, दूसरे उसके एम्प्लॉयज़। अगर वो इन्वेस्टर को बता देगा कि मैं मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, मुझे कंपनी से डर लग रहा है, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? उसका एतमाद ख़त्म हो जाएगा, वो आप पे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देगा, वो आप पे यकीन करना छोड़ देगा। दूसरी साइड पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर आप कहेंगे कि कंपनी मुश्किल हालात में जा रही है, वो जॉब्स ढूंढना शुरू कर देगी, वो मायूस होना शुरू कर देंगे। अगर आप इन्वेस्टर के साथ शेयर करेंगे, अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करेंगे, चांसेस आर कि आपकी खबर बाहर निकलेगी, वो खबर मीडिया पे छपेगी, आपकी कंपनी डाउन हो जाएगी। उसके बदले में आप अगर किसी मैच्योर कंसल्टेंट से रابطہ करते हैं जो आपको एडवाइस दे सकता है कंपनी के ऊपर, जो आपको एडवाइस दे सकता है बिज़नेस के ऊपर, आप किसी बाहर के कंसल्टेंट को हायर करते हैं मुसलसल एडवाइस के लिए, तो वो आपको बेहतर मशवरे देता है। देखिए, वो ना तो आपको रिपोर्ट करता है और ना ही वो आदमी आप पे इन्वेस्ट करता है, वो एक फ्री आदमी है, वो आपको एक प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी देगा, साफ साफ आपको मशवरा देगा और आपसे सही बात करेगा। तो इस वजह से मैं अपनी कंसल्टेंसी के सर्विसेज पाकिस्तान में और इंडिया में, कहीं पे कोई स्टार्टअप जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है उनको मेरी सर्विसेज चाहिए, उनके पास पैसे नहीं हैं किसी भी कंसल्टेंट को फ़ी पे करने के, तो मैं उनको फ्री एडवाइस करूँगा इंशाल्लाह ताला। हर संडे को मैं एक घंटा मुख्तस करूँगा। लेट्स से अगर मेरे पास ज़्यादा ईमेल्स आती हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक स्टार्टअप को इस संडे को करेंगे, अगले स्टार्टअप को अगले संडे में लेके जाएंगे। तो ये मेरी फ्री सर्विस। दूसरी बात ये है कि कंपनीज़ का स्टार्ट करना सबसे आसान काम है, मुश्किल काम है कंपनीज़ को चलाते रहना। आजकल कंपनी ज़्यादातर फोकस कर रही हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से ली जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। असल चीज़ वो है आइडिया। आपके पास ऐसा क्या आइडिया है जिससे आप दुनिया का मसला हल करना चाह रहे हैं? बहुत से लोग हैं जिनके एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के कंसेप्ट ही नहीं क्लियर। लोग ये समझते हैं बिरयानी की दुकान खोलना भी एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप खोलना है, या कोई चाय का ढाबा खोलना भी स्टार्टअप खोलना है। तो इस तरीके से दुनिया से जब से दुनिया बनी है तब से लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, हर कारोबार करने वाला एंटरप्रेन्योर है। फिर ये नया कंसेप्ट किस चीज़ का, फिर ये नया स्टार्टअप किस चीज़ का? स्टार्टअप जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो एक इनोवेटिव यूनिक सॉल्यूशन पहली दफ़ा ला रही है, जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका पाथ अनक्लियर है। स्टार्टअप को लोग टेक से कन्फ्यूज़ करते हैं। हाँ, ये बात है कि ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो टेक के होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप हो सकता है लॉजिस्टिक्स में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जहाँ पर आप टेक को मिला के, फिज़िकली आपके पास गाड़ियाँ भी हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिस तरीके से ऊबर का हो गया, जिस तरीके से करीम का हो गया, इस तरह की चीज़ें भी आप ला सकते हैं। आपको अगर इस तरह का कोई यूनिक आइडिया है जिससे आप एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बिल्कुल
ओवरथ्रो करेंगे। तो आप मेरे साथ आएँ, हम आपके इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन बनाएंगे, हम आपको बेहतर तौर पर एडवाइस भी करेंगे। तो ये मेरी सर्विसेज हैं। मुझे दिली तौर पर दुख हुआ कि पाकिस्तानी स्टार्टअप फेल हुआ, और इस बात का भी दुख है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। बाकी डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कामयाब जा रही हैं। मैं इंशाल्लाह कामयाब कंपनीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपकी मोटिवेशन बढ़े। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।